नमस्कार, आज बात करूंगी एक ऐसे कदम की जो मेरे पैसे बढ़ाने में मेरे काम आया। ये कहना गलत है कि मुझे कभी भी कोई महंगी चीज़ खरीदने की तलब नहीं हुई। महंगी चीज़ मतलब टशन वाली, थोड़ा शो ऑफ करने वाली, जिसको दिखाकर मैं इतरा सकूं। लेकिन अच्छी बात ये रही कि कभी भी ये तलब उस लेवल तक नहीं पहुंची जहां पर मुझे उस सामान को ख़रीदने के लिए कर्ज लेना पड़े। मुझे याद है एक बार मुझे आईफोन की ज़रूरत थी और मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे और कुछ समझ भी नहीं आया कि कहाँ से ले, तो मैंने अपनी दोस्त से पैसे लिए और उस ज़रूरत को उस वक्त पूरा कर लिया। अब मेरे पास क्रेडिट कार्ड था नहीं, तो उससे लेने का सवाल नहीं उठता था और जो लोन ऑप्शंस थे ना, उनमें मेरी कतई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि लाख कह लो कोई भी 0% ब्याज पर लोन नहीं देगा, ये बात मुझे मालूम थी। प्रोसेसिंग फ़ी होगा, साथ में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, अंत में 5 से 10 हज़ार आप ज़्यादा ही पे करेंगे। तो भले ही उस पैसे को मैं कहीं और निवेश ना करूं, लेकिन किसी और को देने का मतलब बनता नहीं था। अब ये बात अलग है कि इस जाने अनजाने की समझदारी के साथ मैंने कुछ पैसे ज़रूर बचाए। थोड़ी सी और समझदारी अगर मैं दिखा लेती और इस पैसे को मैं अगर निवेश कर देती सही जगह पे, तो मेरा ख़जाना थोड़ा ज़्यादा आज बड़ा होता। तो आप ज़रा देखिए कि कौन सी चीज़ आपके पहुंच के बाहर है और आप उसे लोन लेकर ख़रीद रहे हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ ईएमआई पर अवेलेबल है, मिल जाती है। एक बार लत लग जाए तो आपके जो पैसे हैं वो ईएमआई भरने में ज़्यादा जाते हैं और निवेश में कम, और अगर निवेश में कम जाएंगे तो निवेश बढ़ेगा नहीं, और बढ़ेगा नहीं तो आप अमीर कैसे बनेंगे। आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम हैं एक साथ अमीर बनने के सफ़र पर।